छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान खत्म होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां दूसरे चरण की तैयारियों में जुटी हुई है। धुआंधार प्रचार के लिए राजनीतिक दिग्गजों का फिर से दौरा शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का रायपुर दौरा रहा। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर रायपुर दौरे के बाद प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की घोषणाओं को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पूरी न होने वाली घोषणाओं को लेकर वीडियो जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले झूठी गारंटी को लेकर बड़ा खेल इन्होंने खेला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हिमाचल चुनाव में प्रभारी बनाया गया था। हिमाचल में कांग्रेस द्वारा जारी वचन पत्र में पूरे न होने वाले घोषणाओं की जानकारी उन्होंने दी है। मित्रों, आप सबका आज की इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। मैं बहुत दूर से आया हूं और इसलिए दूर से आया हूं कि जिनका अभी आप सुन रहे थे, आपके इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, वो भी हिमाचल प्रदेश में बहुत दूर से आए थे और वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव के प्रभारी थे और हमें भी उस वक्त लगा कि इतने दूर से हिमाचल का प्रभारी बनाने का कोई खास मकसद होगा, लेकिन वो सारी बातें धीरे धीरे बाहर आ रही हैं क्योंकि व्यवस्थाओं का काम इनके जिम्मे लगाया गया था और व्यवस्थाओं के स्रोत भी अब मालूम हो करके यहाँ पर देख सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। मैं आज की इस पत्रकार वार्ता में जहां प्रदेश के विषय है उन पर तो हमारे यहाँ के स्थानीय प्रमुख नेता बोलते ही हैं, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव से पहले झूठी गारंटी का ये विषय जिस तरह से लोगों के बीच में जाना चाहिए, उसका पटाक्षेप करने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। अभी आपने कुछ स्लाइड्स देखी होगी और उसके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, और वो भी आपने इस बात को देखा होगा कि झूठ की कहानी जो है वो कांग्रेस नेताओं की ही जुबानी आपने सुनी। हर सभा में, हर कार्यक्रम में इसी बात को लेकर के कहते रहे और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में उन गारंटी से संबंधित क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी का वो वचन पत्र है जिस पर उनने चुनाव लड़ा था और 10 गारंटी हिमाचल प्रदेश में उनने दी थी, प्रमुख रूप से 10 गारंटी।